नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों एक सवाल आया है, शुभम प्रवीण जी लिखते हैं, सर मेरा 5 साल से ब्लड आ रहा है, अब डॉक्टर से दिखा दिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, जहां कैप लगाया था। देखो शुभम प्रवीण जी, ऐसा लगता है कि आपकी जो कैप है वो सही नहीं लग रही है, मतलब सही से फिट नहीं है, और डॉक्टर ने जब उसका छाप लिया था यानी कि माप ली थी वो सही नहीं है, उसका कोई कोना नीचे मसूड़ों में टच हो रहा है, जिससे कि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो चूंकि दांत के अंदर लचक होती है वो अंदर की तरफ प्रेशर बनाता है, धंसता है कुछ हल्का सा, तो वो उस दौरान मसूड़ों से टच होता है, रगड़ खाता है, और मसूड़ों चूँकि वो सिरा उसका नुकीला होता है नीचे की साइड, तो वो मसूड़ों को घायल करता है। तो ऐसे में इस कैप को दोबारा लगवा लेने में ही फायदा है, वरना ये ब्लड आना और बार बार घाव होना, ये घाव बढ़ भी जाएगा, आपको बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। आपके कमेंट को देखकर ये लगता है कि आप काफ़ी हाइजीनिक रखते हैं मुँह को, यानी कि साफ सुथरा रखते हैं, मुँह में आपके जीवाणु नहीं है, वरना 5 साल बहुत लंबी अवधि होती है, इस दौरान अगर लगातार ब्लड निकलता है इसका मतलब आपके दांत साफ तो हैं, वरना अब तक वो घाव बन गया होता और घाव बढ़कर नासूर बन जाता, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती, आपको बहुत परेशानी होती। मतलब आप जागरूक इंसान हैं, परंतु आपकी जो कैप है वो जागरूक नहीं है, आपके लिए खतरा साबित हो रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि उस कैप को दोबारा लगवा लें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब सही से मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और दुविधा है, कोई सवाल है, आप बेहिचक हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।